हरे कृष्ण। तो कल के दो श्लोकों में हमने देखा किस प्रकार से भगवान ने कहा अर्जुन से कि अगर कोई ब्रह्मा जी के इतनी लंबी जीवन अवधि भी लेकर के आता है फिर भी उसे शाश्वत रूप से एक स्थान नहीं मिलेगा। भूतवा भूतवा प्रलियते, द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज चेंज। कुछ भी शाश्वत नहीं है, लेकिन इसके परे एक और धाम है जो शाश्वत है। उसके बारे में भगवान आज के दो श्लोकों में हमें ज्ञान देते हैं। श्लोक क्रमांक 20 और 21, अष्टम अध्याय भगवद गीता, तारक ब्रह्मयोग। परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्योक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कृष्णा सेज, येट देर इज अनदर अनमैनिफेस्ट नेचर विच इज इटर्नल एंड इज ट्रांसेंडेंटल टू दिस मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड मैटर। It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. That which the Vedantists describe as unmanifest and infallible, that which is known as the supreme destination, that place from which having attained it, one never returns, that is my supreme abode. तो यहाँ भगवान कहते हैं परह तस्मात्तु भावोन्यो, परह याने ट्रांसेंडेंटल दिव्य। तो जो कल मैंने आपको बताया अर्जुन इस ब्रह्मांड के बारे में और भौतिक जगत के बारे में, इस भौतिक जगत से ऊपर एक और दुनिया है, परस तस्मात्तु भावः अन्यो, और वो कैसा है, अव्यक्तो अव्यक्तात्। ये भौतिक जगत क्या है, व्यक्त और अव्यक्त, इसके बीच में ये बदलता रहता है, व्यक्त मैनिफेस्ट, अव्यक्त अनमैनिफेस्ट। व्यक्त यानी जो दिखता है, हमने देखा कल भगवान ने बताया कि अहर आगमे, जब ब्रह्मा जी का दिन होता है सृष्टि पनपती है, और रात्रांतौ प्रलीयन्ते, रात्रि आती है तो प्रलय हो जाता है। सो जब ब्रह्मा जी का दिन है तो सब कुछ व्यक्त है, और ब्रह्मा जी की रात्रि है तो सब कुछ अव्यक्त हो गया। लेकिन इन दोनों व्यक्त और अव्यक्त समीकरणों से ऊपर एक और अव्यक्त जगत है, परस तस्मात्तु अव्यक्तात्। सो इस अव्यक्त और व्यक्त की द्वंद्व से ऊपर अन्यो अव्यक्त भावो, देर इज अनदर ट्रांसेंडेंटल नेचर। व्हाट इज इट्स नेचर, सनातन। तो ये जो जगत है ये सनातन है, इसका नाश नहीं होता। भूतवा भूतवा प्रलीयते, ये थीम यहाँ नहीं है, इसीलिए भगवान कहते हैं यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सर्वेषु भूतेषु स नश्यत्सु, इस भौतिक जगत में सब कुछ नाश भी हो गया तो भी यह न विनश्यति, उसका नाश नहीं होता। उसका नाम क्या है, 21वां श्लोक, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्। यस, सो वो जो अव्यक्त है उसको क्या कहते हैं, वो जो अव्यक्त है, वो जो अक्षर है, वो एक्चुअली ब्रह्म है। हमने देखा था इसी अध्याय के पहले श्लोकों में, जो किम तद् ब्रह्म किम आध्यात्मम अर्जुन ने पूछा था, और भगवान ने क्या उत्तर दिया था, अक्षरम ब्रह्म परमम
स्वभावो आध्यात्म उच्यते, श्लोक क्रमांक 3 अगर आपको याद होगा। सो अव्यक्तोरो अव्यक्तो अक्षरम, यस। सो ये जो आध्यात्मिक जगत है ये ब्रह्म कहलाता है। तम आहु परमाम गतिम एंड धिस ब्रह्मन प्लेटफॉर्म, यस, विच इज ट्रांसेंडेंटल टू व्हाट इज मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट, इज एक्चुअली द परम गति और द ट्रांसेंडेंटल स्टेट टू विच एवरी लिविंग एंटिटी बिलोंग्स। हर जीव उस परम गति का भाग है, इसीलिए यम प्राप्य न निवर्तन्ते, वहां पर जब वो पहुंचता है न निवर्तन्ते, वो वापस यहां पर नहीं आता। तद धाम परमम मम, वो मेरा धाम है। सो अगर हम गौर करेंगे तो यहां पे भगवान परह शब्द का 3 बार प्रयोग करते हैं, परस्तस्मात् तु भावोन्यो, श्लोक क्रमांक 20 में, और श्लोक क्रमांक 21 में परमाम गतिम परमम मम, यस। सो कृष्णा इज एम्फसाइजिंग दैट हिज ट्रांसेंडेंटल नेचर इज सुपीरियर टू वर्ल्डली एग्जिस्टेंस। भगवान, उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, उनका भाव, मद भावम, ये इस भौतिक अस्तित्व से परे हैं, दिव्य है, और केवल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स से हम उसे नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि इट इज ट्रांसेंडेंटल। इसीलिए इसको जानने की जो प्रक्रिया है वो हमें भगवान ने किसमें बताई है, भगवद गीता के ही 4th अध्याय में अगर आपको याद होगा, द फर्स्ट, यस, 2 वर्स, हरे कृष्ण। सो वी आर बिगिनिंग द 4th चैप्टर ऑफ भगवद्गीता टुडे। श्री भगवान उवाच, इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम्, विवस्वान मन वेप्राह मनुर इक्ष्वाक वेब्रवीत। हरे कृष्णा। सो वी आर ऑन द 2nd वर्स ऑफ द 4th चैप्टर ऑफ गीता। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, सकालेनेह महता योगो नष्टः परंतपम्। तो ये ज्ञान कोई भी व्यक्ति अपने खुद के सो कॉल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से नहीं समझ सकता। श्रद्धा पूर्वक जो कोई भी एक प्रमाणित गुरु से इस ज्ञान को हासिल करेगा, श्रद्धा पूर्वक उसे अपनाएगा, उस पर अमल करेगा, तब उसके हृदय में इसका स्फुरण होगा। जस्ट लाइक इन नॉर्मल साइंस वी हैव अ नोशन, वी वॉन्ट टू टेस्ट और सी इफ समथिंग इज करेक्ट और नो, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही उस चीज को खारिज नहीं करते, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उसके बाद में निष्कर्ष पर आते हैं कि जो मैंने सोचा था वो सही है कि नहीं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत भी ऐसा ही है। वी हियर, वी कीप फेथ, वी फॉलो द प्रोसेस, एंड देन वन कैन से ओ दिस इज ओके और नो, विदाउट नोइंग द प्रोसेस, विदाउट हैविंग द एपरेटस टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, विदाउट नोटिंग डाउन ऑब्जर्वेशंस, one simply jumps to conclusion, this is foolishness and it's most unscientific. So aajkal ye fad ho gaya hai science ke naam par, oh jo kuch bhi aadhyatmik hai sab dhokosla hai, aisa nahi hai. What is needed is a parampara in which we get this knowledge and an inquisitive and genuine seeker who wants to know the subject matter. भगवान यहां कहते हैं कि यह भौतिक जगत कैसा है, व्यक्त और अव्यक्त। श्रील प्रभुपाद जी ये उदाहरण देते हैं कि जैसे हम आकाश देखते हैं और आकाश का बहुत थोड़ा ही भाग हमें दिखता है, कुछ हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स का हमें आकाश ऊपर दिखता है, आकाश तो अनंत है, और इस
आकाश में अगर थोड़े बादल आ गए, छा गए, तो हमें आकाश दिखना बंद हो जाता है। और वो बादल हमेशा ही नहीं रहते, बादल भी आके छट जाते हैं। सो बादलों का आना और जाना इज कंपेयर्ड टू मटीरियल नेचर, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त। एंड स्काई इज वी कैन अंडरस्टैंड अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अव्यक्त, हमें दिखता इतना ही है लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ा है। एंड इट इज ट्रांसेंडेंटल। बी विथ अस। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ कृष्ण स्मरण एवरीडे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare